कटघोरा में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका ने स्कूल के प्रधान पाठक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत महिला शिक्षिका द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई है। कोरबा जिले के कटघोरा में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुतर्रा की महिला शिक्षिका ने स्कूल के प्रधान पाठक पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला शिक्षिका का आरोप है कि प्रधान पाठक उसके साथ अश्लील हरकत करता है और उसका विरोध किए जाने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। महिला शिक्षिका ने एसपी से शिकायत कर मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैं छेड़खानी के संबंध में शिकायत करने आई हूँ। मैं शिक्षिका हूँ और हमारे यहाँ के जो एचएम हैं, हेडमास्टर हैं श्री एमएल पटेल, वो हमारे साथ छेड़खानी करते थे। उसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ शिकायत करने। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने सबसे पहले 30 तारीख को बीओ और एसडीएम कार्यालय पौड़ी उपरोड़ा में की। उसके बाद मैंने जनदर्शन में 5 तारीख को कलेक्ट्रेट को किया और वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी को भी उसी दिन किया। उसके बाद मैंने इसी शिकायत के संबंध में 12 तारीख को चौहान मैडम ने किया अजाक थाना में जी। और उसके बाद मैंने 13 तारीख को मैंने कटघोरा थाना में भी किया, लेकिन इसके लिए कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं किया गया है। ऐसा क्यों बोलते थे आप? छेड़खानी क्यों करते थे? क्या बोलने कारण क्या है? वो छेड़खानी हम लोगों को हमेशा वेतन संबंधी जो भी जानकारी है वेतन से रिलेटेड, उसके लिए हमको हमेशा धमकाते रहते थे और बोलते थे कि मेरे साथ मतलब गंदी हरकतें करने, अश्लील हरकतें करने के लिए बोलते थे, जब दबाव बनाते थे और जब भी मना करते थे तो हत्या करवा दूंगा बोल के धमकी देते थे। इसलिए हम आज तक कभी इस बात को ओपन नहीं कर पाए और आज हमने बहुत हिम्मत के साथ ये बात ओपन की है, तब भी कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, जिससे हम काफ़ी दुखी हैं और हम चाहते हैं इसमें कठोर से कानूनी कार्यवाही हो सके। मेरे साथ छेड़खानी किया जाता है, एमएल पटेल के द्वारा गुप्त अंगों को छुआ जाता है और जैसे सीएल लेने जाती हूँ, कुछ भी डेली डायरी में साइन करवाने जाती हूँ तो गंदा गंदा गाली भी देते हैं और गुप्त अंगों को छूते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? किस तरह इसमें कड़ी कार्रवाई हो और हमें न्याय मिलना चाहिए। आप पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया? अब वो बोले हैं कि बयान होगा उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, इसमें दो अलग अलग जगहों पर शिक्षिकाओं द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा शिकायत की गई है और इसे शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सारे पहलुओं की जाँच की जा रही है और जाँच पश्चात जो भी इसमें विधि संगत जो भी चीज़ें आएंगी उसके अनुसार से आगे कार्रवाई की जाएगी।